सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ऑपरेट करने वाले सीआरपीएफ और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रूप्स की कैजुअलिटीज को कम करने के लिए एयर एम्बुलेंस फैसिलिटीज के साथ सीआरपीएफ को हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक इसके लिए एक दर्जन से अधिक हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिनमें एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटीज को रेट्रोफिट किया जाएगा और ये लाइफ सेविंग मेडिकल फैसिलिटी जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगी। और सीआरपीएफ फोर्सेस को एयर एम्बुलेंस फैसिलिटीज वाले हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराने का प्रमुख उद्देश्य है कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस के दौरान घायल होने वाले सिक्योरिटी पर्सनल्स को सही समय पर मेडिकल फैसिलिटी मिल सके और उनकी जान को बचाया जा सके। वरना इससे पहले जब इन ऑपरेशन के दौरान कोई सोल्जर घायल होता था या फिर वो अगर बहुत सीरियस तरीके से बीमार भी हो जाता था तो उसके लिए फिक्स विंग एयर एम्बुलेंस को भेजा जाता था, लेकिन उस फिक्स विंग एयर एम्बुलेंस तक पहुँचने के लिए सभी मेजर लोकेशंस पर पहुँचना पड़ता था जहाँ पे उस एयरक्राफ्ट के लैंड होने के लिए लैंडिंग स्ट्रिप मौजूद हो, क्योंकि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की तरह जंगल जैसे छोटी जगहों पर लैंड नहीं हो सकते हैं। उनके लिए एक प्रॉपर लैंडिंग स्ट्रिप चाहिए और इसलिए अब इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स को लिया जा रहा है। फ्रांस ने एक बार फिर से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनर्जी में भारत के प्रवेश को लेकर अपना समर्थन दोहराया है और सोर्सेस के मुताबिक भारत इस मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का हिस्सा बनना चाहता है और एनर्जी में भारत के प्रवेश को लेकर अभी तक केवल चाइना की तरफ से ही विरोध दिखाया गया है। बाकी एनर्जी को छोड़कर भारत अन्य सभी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और वासिनर अरेंजमेंट इन सभी का हिस्सा है। और बता दें कि ये सब बातचीत पिछले सप्ताह दिल्ली में नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए गए एक डिस्कशन के दौरान किया गया है और अब इसको लेकर अगली वार्ता 2021 में पेरिस में आयोजित की जाएगी। बाकी अगर आपको इस न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में डिटेल में जानना है या फिर ये जानना है कि इसमें प्रवेश मिलने के बाद भारत को क्या फायदा है तो इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले सभी मिलिट्री हार्डवेयर को भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करने के लिए तैयार है और उन्होंने ये बात बांग्लादेश इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कही है। और उनका कहना था कि बांग्लादेश पूरी दुनिया में भारत का सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर होने के साथ साथ इस क्षेत्र में सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है और वे दोनों देशों के बीच एक डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। बाकी आपके विचार में इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए मैन्युफैक्चर होने वाले सभी मिलिट्री हार्डवेयर को बांग्लादेश के साथ शेयर करना सही है या नहीं, इसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि जो 36 एफएल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल होंगे वो फाइटर्स मीटियोर मिसाइल के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी के मामले में इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर बढ़त बनाने में मदद करेंगे। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम केवल इन 36 एफएल फाइटर्स पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें इनसे आगे भी सोचना होगा और जिसके लिए हमें अपने सुखोई 30 एमकेआई और ऐसे ही अन्य फाइटर्स में अस्त्र मिसाइल जैसे अन्य स्वदेशी समाधानों पर काम करना है। और अभी हाल ही में इसी से संबंधित रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स वेटरन विजेंद्र के ठाकुर के स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कहा गया है कि निश्चित रूप से इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में बेहतरीन एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की एडवर्सरी यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स है वो अपने अपग्रेडेड JF-17 फाइटर्स में चाइना की PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बढ़त हासिल कर सकती है। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स वेटरन विजेंद्र के ठाकुर का ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स ने रफेल फाइटर्स को हासिल करके जो टेक्निकल एडवांटेज हासिल किया है वो अस्थायी है, क्योंकि ये मुख्य रूप से रफेल के वेपन सिस्टम और सेंसर्स पर आधारित है। और इस रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स की बढ़त को लेकर जो बात की गई है उसे मुख्य रूप से JF-17 फाइटर में चाइना की PL-15 मिसाइल के आधार पर कहा गया है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 फाइटर में कुछ प्रमुख अपग्रेड किए जाएंगे और जिसके तहत
इसमें J20 स्टेल्थ फाइटर्स की जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी शामिल की जाएंगी और साथ ही साथ ये फाइटर्स चाइना की लॉन्ग रेंज PL-15 एक्टिव रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल से भी इक्विप्ड होंगी, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आपको क्या सोचना है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ मुख्य बातें बता दें। पहली बात की जो ये PL-15 मिसाइल है, ये एक वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जिससे मुख्य रूप से बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि अबॉक्स या फिर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो कि साइज में बड़े होते हैं और उनकी मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि PL-15 मिसाइल की रेंज भले ही 300 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है, लेकिन इसे जिस फाइटर में इंटीग्रेट किया जाएगा यानी कि JF-17, उस फाइटर में इस्तेमाल होने वाली रडार की रेंज 200 किलोमीटर से कम है। यानी कि अगर JF-17 को PL-15 के इस्तेमाल करके रफेल जैसे फाइटर को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए उसे स्पेक्ट्रा या फिर अबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए सुपीरियर टैक्टिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। और बाकी जो रफेल फाइटर है वो अपनी रडार की मदद से JF-17 द्वारा उसे देखे जाने से पहले उसे देखकर उस पर मिसाइल भी फायर कर सकता है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन वेसल यानी कि TDV में एक नई टाइप की ड्यूल पैनल लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम फिट की गई है। हालांकि इस रडार सिस्टम के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेज का मानना है कि ये एक एक्टिव फेस एरे रडार है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी अधिक होगी। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है और इसका सही जवाब है खड़कवासला, जो कि पुणे में स्थित है। और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि जो ये NDA है, ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। बाकी अगर आपको इस प्रेस्टिजियस एकेडमी के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके रिगार्डिंग हमने कई वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।